आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकल कैलकुलस पे, और कैलकुलस की जर्नी पे बात करेंगे, किडनी स्टोन की पूरी जर्नी पे बात करेंगे। किडनी स्टोन बनता है किडनी में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे, ये किडनी स्टोन है 0.37 सेंटीमीटर का, मतलब 3.7 mm का ये स्टोन है। और इस स्टोन की वजह से किडनी में थोड़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है ना, जो कॉर्टिको मेडुलरी डिमार्केशन है वो डिस्टॉर्टेड हो गया है इस स्टोन की वजह से, जो किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा है। ये जो स्टोन है ये किडनी में बना, उसके बाद ये मूव करता है नीचे की तरफ, ये मेडुलरी रीजन से पेल्विक कैलिक्सियल सिस्टम में आता है, बाद फिर उसके बाद प्रोक्सिमल यूरेटर में आता है, ठीक है। प्रोक्सिमल यूरेटर से मूव करता हुआ क्या होता है, मिडिल यूरेटर में आता है, मिडिल यूरेटर से फिर वेसिको यूरेटिक जंक्शन में आके स्टक करता है, ठीक है। देख लीजिए आप, वो जो किडनी स्टोन था उसका एक जोड़ीदार स्टोन, वो तो किडनी में है ही, उसका एक जोड़ीदार स्टोन मूव करके कहाँ आ गया है, पेशाब की थैली में आ गया है। तो किडनी से चला, यूरेटर से गुजरता हुआ पेशाब की थैली में आ गया, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जर्नी ऑफ ए कैलकुलस। पहले जो है वो किडनी से चला तो राइट वेसिकल वेसिको यूरेटिक जंक्शन पे, भुज जंक्शन पे ये ऑब्स्ट्रक्ट किया था, फंसा था। उसके बाद यूरिन के बैक फ्लो से, बैक प्रेशर से क्या हुआ, वो पुश अप हो गया आगे की तरफ है ना, और ल्यूमेन में गिर गया यूरिनरी ब्लैडर के। पेशेंट को यहाँ पे राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा था, पेशेंट को लगा कि कहीं एक्यूट अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने पर पता चला कि नहीं, वो जो पेन हुई थी उसको 2-3 दिन से पेन जो हो रही थी, वो ये जो भुज कैलकुलस था वो कर रहा था, जो बाद में यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप कर गया। तो ये है पूरा जर्नी स्टोन का। अब ये क्या होगा, ये ब्लैडर में आ गया स्टोन, अब एक बार फिर से दर्द होगा, क्या होगा कि ये ओरिफाइस जो है, प्रोक्सिमल ओपनिंग जो है यूरिथ्रा की है ना, उसमें अब ये उसको पार करने की कोशिश करेगा है ना, उसको पार करेगा तो पेन होगा। अब ये यूरिथ्रा, अब फाइनल जर्नी क्या है, इसको बाहर निकलेगा, सराउंडिंग में कैसे जाएगा, कैसे शरीर से बाहर जाएगा, अब यूरिथ्रा से निकलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में तो आ गया, अब यूरिथ्रा से निकलेगा तो दर्द करेगा।